गोली मारो सारों को, को हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, को हत्या बंद करो, बंद करो। संगी जी गोरक्षा प्रमुख बजरंग गुरु है जी शंकराचार्य जी, उन्होंने आह्वान किया था जी 10 मार्च को संपूर्ण भारत बंद का, 10 मिनट के लिए, 10 तारीख को सही 10 बजे 10 मिनट में भारत बंद का आह्वान किया था। तो उनके समर्थन में हमने आज विश्व हिंदू परिषद और गोरक्षा भजन दल के समर्थ सदस्यों ने भारत बंद का आह्वान और ये जी हमारी गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करें, और जितने भी हरियाणा में नहीं और पूरे हरियाणा में और क्या कहते हैं इसको पूरे हिंदुस्तान में जितने बूचड़खाने हैं इनको बंद किया जाए और गौ माता पर अत्याचार जो हो रहा है इनको ये बंद किया जाए जी। तो क्या डिमांड रही आगे आप? गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करें, जिसके चरण में ये चौथा चरण चल रहा है हमारा, और जो हमारे कहते हैं जो गोरक्षा दल से गुरु आचार्य जी उन्होंने भी इसके ये जो आंदोलन चल रहा है इसके अंदर पूरा जो चरण चल रहा है, अगर इसके अंदर भी और कल या परसों के अंदर 14 दिन की जो वृंदावन की जो फेरी है वो गुरु आचार्य जी पूरी करेंगे, संपूर्ण करने के बाद फिर पैदल संसद के लिए दिल्ली निकलेंगे, दिल्ली के अंदर संसद के अंदर ये मांग रखी जाएगी गौ माता को राष्ट्रीय माता दर्जा दिलाया जाए। जय श्री राम जी, मैं अरविंद भारद्वाज नगर सह संयोजन के सदस्य, गोरक्षा के सदस्य जो इकट्ठे हुए हैं और समस्त संगठनों से जो सदस्य आए हैं उनका मेन मोटिव यही है कि जो गौ माता पे अत्याचार हो रहा है उसको बंद करवाया जाए, और जिस तरह से गौओं की हत्या हो रही है और गौओं के जो बूचड़ खाने खुले हैं वहाँ पर सरेआम गौएँ कट रही हैं उस पर सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्दी जल्दी इस पर एक्शन लिया जाए, जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए और जो गौएँ काटते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस पर कानून बनाया जाए कि जो गौओं को काटेगा उसको सीधा एनकाउंटर किया जाएगा। हमने समय समय पर जो लेटर दिए हैं उनको उनको एप्लीकेशन दिए, ज्ञापन दिए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी है और इस पर जो कानून है इस पर कोई चर्चा उनसे उनसे चर्चा हमारी तो हुई है लेकिन उनकी कोई चर्चा नहीं हुई है हमारे से कि भी हम लागू करेंगे या नहीं करेंगे। सरकार इसमें इस संघ के अंदर अलग अलग गाँवों से शहरों से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं उसकी कोई गिनती नहीं है, जो भी राम भक्त है सभी हमारे साथ हैं, हमारी विचारधारा के हैं वो सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।